वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग ए फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि कंटोरिंग का आखिर मकसद क्या होता है मेकअप में। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कंटोरिंग होती है क्या है और इसका मकसद क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, कंटोरिंग का मेन काम क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चेहरे को तराशे, या यही काम मतलब तराशना जो है वो यही काम है कंटोरिंग का। इसकी मदद से आप नाक को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने माथे को छोटा कर सकते हैं, अपने गालों को शार्प कर सकते हैं बगैर किसी सर्जरी वगैरह से। और फ्रेंड्स, मेकअप में हाईलाइट का क्या काम है, हमारे ये क्या इसका फंक्शन है मेकअप में, ये कंटोरिंग के बिल्कुल उलट है। इसका काम शेडोज नहीं बल्कि चेहरे पर एक लाइट का इजाफा करना है। जब आप हाईलाइट का इजाफा करते हैं चेहरे पर, तो इसका काम ये है कि ये एरिया को जो है वो नुमाया कर देता है, उसको जाहिर करता है, प्रोमिनेंट करता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए मज़ीद अवेयरनेस आगाही के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप इस हवाले से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अगर आप कंटोरिंग और हाईलाइट के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, तो प्लीज़ हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।